तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, आखिर क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो? रमल, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मुझे। रमल, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं तो हमेशा खुद को रोकती रही कि तुम मुझे कहीं गलत ना समझो, और आज वही हो रहा है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रमल, ऐसा नहीं है। जुनैद ने खुद भेजा है रिश्ता, और तुम्हारी तरह वो मेरी जिद नहीं है। मैं कुर्बान कर सकती हूँ अपनी मोहब्बत को, और मैंने कर भी दी थी। कहा था अम्मी को कि तुम्हारी शादी कर दें जुनैद से, लेकिन जब वो ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बकवास बंद करो अपनी, और ये कुर्बानी का ढोंग ना किसी और के सामने जिताओ। तुम्हारी असलियत ना मैं पहले से जानती हूँ। तुम मजलूम बनके सब कुछ छीन लेती हो, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और अच्छा ही हुआ अम्मी और बाबा को तुम्हारी असलियत पता चल गई। तुम कल भी गलत समझ रही थी और तुम आज भी गलत ही समझ रही। जिंदगी भर तुमने मेरी खुशियां छीनी है, मेरे माँ बाप सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं छीने दूंगी, समझे तुम?